तो ऐसे केस में बनता है आपके कैपिटल रिजर्व, और जब आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है नेट असेट से उस केस में बनता है गुडविल। तो फॉर्मूला क्या बना गुडविल का या इसका आपके कैपिटल रिजर्व का, फॉर्मूला इस तरह से बनता है, लिखते हैं यहां पे परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स इक्वल्स टू आता है आपके गुडविल। कि परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स माइनस करते हैं तो क्या बनता है, गुडविल बनता है। कि देखिए नेट असेट्स आपकी जो थी उस नेट असेट्स से हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो जब ज्यादा पेमेंट किया जाता है तो जो अमाउंट आप ज्यादा पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। क्योंकि जब बिजनेस, ये जो आपका जो कंपनी है क्रेता कंपनी, जब नेट असेट से ज्यादा पे करती है तो वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है आपके, ये लिखा जाता है नेट असेट्स माइनस करते हैं हम यहां पे परचेज कंसिडरेशन, तो यहां जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैंने यहां पे क्यों लिखा कि देखिए कि नेट असेट से कम पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। नेट असेट सपोज हमारे 10 लाख की है और हम पेमेंट कर रहे हैं केवल कितना, 9 लाख रुपए का। तो जो 1 लाख रुपए जो कंपनी का जो फायदा हुआ है, जो कंपनी परचेज करी है, वो किसके अंदर चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को मैंने दो मेथड समझाया, एक मेथड कौन सा था आपके नेट पेमेंट मेथड और एक मेथड कौन सा नेट असेट्स मेथड। देखिए नेट पेमेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा, या तो गिवन होगा या फिर वो कैलकुलेशन बता देगा कि हमने कितना कितना पेमेंट किया। तो जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है उस केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है कि परचेज कंसिडरेशन अगर आपके नेट असेट से क्या है, ज्यादा है, ऐसे केस में गुडविल बनेगी, और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से क्या है, कम है, ऐसे केस में क्या बनेगा, कैपिटल रिजर्व बनने वाला है। तो ये था नेट पेमेंट मेथड, और एक्चुअल में नेट पेमेंट मेथड ही अप्लाई किया जाता है नॉर्मल वर्किंग में। नेट असेट मेथड का मतलब क्या मतलब होता है, नेट असेट्स मैंने आपको यहां पर समझाया, नेट असेट्स का मतलब क्या होता है कि टोटल असेट्स टेकन ओवर में से क्या करते हैं, टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर माइनस करके आता है नेट असेट्स, और जो भी नेट असेट्स आएगा उसी नेट असेट्स का हम क्या करते हैं, यहां पे पेमेंट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो नेट असेट्स मेथड में कभी भी आपके ना तो आपकी गुडविल आएगा और ना ही आपकी कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो ये है व्यापार अधिग्रहण के अंदर हम क्रय प्रतिफल का निर्धारण दो तरीके से करते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसकी हम बात करने वाले हैं।